तो जय हिंद दोस्तों मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आप क्लास ट्वेल्व से हो और आपके पास सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस तो ए टू जेड आपके एस हो सी प्लस प्लस हो एच हो हर लैंग्वेज के बारे में आज की वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ हर तरह के एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक बने रहना आज इस वीडियो के अंदर आप हर तरीके के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को जान सकोगे कंप्यूटर साइंस के बारे में पहले आपको एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कंप्यूटर साइंस 330 आपका कोड होता है क्लास ट्वेल्थ का थ्योरी का पेपर आपका 60 मार्क्स का आता है अब 60 मार्क्स का आपका पेपर है ठीक है फोर्टी मार्क्स का आपका इसके अंदर प्रैक्टिकल है फोर्टी मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो आप दे चुके हो थ्योरी में से सिक्सटी मार्क्स है इसका आपको थर्टी ठीक है मार्क्स आपको लेके आना है किसके लिए पासिंग मार्क्स के लिए सिक्सटी का थर्टी थ्री परसेंट आपको पासिंग के लिए लेके आना है टोटल मार्क्स आपको टोटल मिला दिया जाए तो हंड्रेड का होता है सब सो के डाउट यही रहता है कि ये जो TMA के मार्क्स है वो गए भैया तो TMA के मार्क्स वो आपके वेटेज को बढ़ाने के लिए होता है मतलब सब कुछ कर लेते हैं ना उसके बाद आपके मार्क्स वेटेज को बढ़ाने के लिए होता है आफ्टर पासिंग टीएमए के मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर में क्या है कि आपके बहुत सारे थ्योरी में देखा जाए तो यहाँ पे आप जानते हो कि आपका सबसे पहला ही है सी प्लस प्लस लैंग्वेज जिसमें आपके सी भी आ जाता है और सी प्लस प्लस आ जाता है सेकेंड आपका ऊपस जाता है ओप्स मतलब आपका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाता है थर्ड केस में C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप कैप्सुलेशन हो गया इनकैप्सुलेशन हो गया आपका डेटा हाइडिंग हो गया मैं इस पे बेस जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसके अंदर ये सभी यूज होंगे तो बस उन्हें आपको करके देखना है याद रखना ठीक है डेफिनेशन भी आते हैं आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी आते हैं डेफिनेशन भी आते हैं ठीक है कोड्स तो आते ही आते हैं कोड्स तो आते हैं हेडर फाइल आता है हेडर फाइल यूज करना हैडर फाइल जो कोड को रन करवाता है ठीक है हेडर फाइल्स का यूज करना जैसे मैंने कोई भी कह दिया आप यूज सबसे ज्यादा सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है, हैच इंक्लूड हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम जिसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहा जाता है ठीक है और यहाँ पे हमें यूज करते हैं सी प्लस प्लस में एक यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नेम स्पेस एस टी डी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ एक कंप्यूटर लैंग्वेज में बताए तो कम टाइम में ज्यादा चीजों को एक्सेस कर पाना ठीक है तो इसलिए आप ये चीजें करके देखोगे तो ऊप् हो गया एच सी एम एल हो गया आपके इस बार जो एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे जैसे आप लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर जो मैं दिखाने वाला हूं उसमें आप देखोगे तो आपके एसक्यूएल पे क्वेश्चन एसक्यूएल एक आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये आपकी पासिंग मार्क्स तो सिर्फ यही दिलवा देगी आपको पासिंग मार्क्स यही दिलवा देगी थर्टी वन क्वेश्चन होते हैं आपके वन वन मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं वन मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कंसेप्चुअल होते हैं डेफिनेशन भी होती है ठीक है डेफिनेशन के साथ साथ आपके हेडर फाइल भी उसी में आ जाते हैं सब कुछ उसके अंदर आपका ऐड कर दिए जाते हैं ठीक है तो उन सभी से बचने का एक ही तरीका है आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन पेपर एक में करवा रहा हूँ एक और मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको एक बार करके देखो तो चलिए एक बार पहले इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन शॉर्टिंग शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम इसको जानते हैं शॉर्ट मतलब होता है किसी भी चीज को कोई भी आपको डेटा दे दिया गया है डेटा आपको मैंने दे दिया सपोज मानो की टू टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे कोई नंबर दे दिए मैंने और मैंने बोला इसको सॉर्ट करो सॉर्ट मतलब है कि आपको इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लगा दोगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉर्टिंग ऑर्डर और सॉर्टिंग करने के कई मेथड होते हैं कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज के अंदर ठीक है जैसे सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखा जाए तो हम शॉर्टिंग के लिए बबल शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट इंसन शॉर्ट क्विक शॉर्ट इन सब चीजों का हम यूज करते हैं शॉर्टिंग मेथड में तो शॉर्टिंग आपको समझ आ गया होगा ये आपके वन वन मार्क्स के डेफिनेशन टर्म वाले क्वेश्चन है तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन इन डेटा बेस मतलब नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन मतलब वही है क्या कि जो एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा दिए जाते हैं वही प्रोसेस है क्या डेटाबेस आपका क्या होता है डेटाबेस हम कहते हैं डी बी एम एस ठीक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही डेटाबेस होता है मतलब डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग वे में रखा जाता है ताकि ऐसे कभी हमें किसी डेटा की जरूरत पड़ गई लाइक आपके कंपनी के अंदर इम्प्लॉयज है तो इम्प्लॉयज की सारी डेटा को एक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रख दिया जाता है ठीक है तो इसी को नॉर्मलाइजेशन इन डेटा कहा जाता है तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा इन डेटा ठीक है इसके बाद आपका थर्ड आता है डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको जो पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा डाउनलोड कर सकते हो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है ताकि आपको मैंने कोई चीज कही मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर टू है ये क्वेश्चन है ऐसा है। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं आप समझ जा रहे हो बट कंप्यूटर को मैं ये चीज कैसे समझाऊंगा कि भैया ऊपर चल नीचे आ ऊपर चल नीचे तो ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यूजर के थ्रू कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यूजिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है आपका कौन कौन सा सी लैंग्वेज हो जाए सी प्लस प्लस हो जाए बोलते हैं ना जावा जावा स्क्रिप्ट कौन कौन से पाइथन लैंग्वेज ऐसे ऐसे लैंग्वेज होते हैं ना तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके कमांड को ये कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी प्रोग्राम को क्या कर देता है रन कर देता है या यूज़ करना हमें बता देता है ठीक है देन इसके बाद फोर्थ पे आते हैं वट इज़ एच टी एम एल इसके बारे में कौन नहीं जानता हूं भाई एच टी एम एल होता है आपका हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज ये हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है ये सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज के अंदर आता है कंप्यूटर के अगर इस लैंग्वेज को अगर आप सीख गए ना तो इस लैंग्वेज के थ्रू आप कोई भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो वेब ठीक है मतलब वेबसाइट का डेवलपमेंट कर सकते हो आप क्या करते हो इस लैंग्वेज के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हो वेब पेज को डिजाइन करते हो उसे इंस्ट्रक्शन देते हो और जो वेबसाइट होती है वेबसाइट उसको डिस्प्ले करवाती है ब्राउजर क्या होता है उस चीज को डिस्प्ले करवाता है कि आपका वेब पेज कैसा दिख रहा है लाइक आप किसी भी वेब पेज को चेक कर लो आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो आप यही चेक कर लो मनीष वर्मा ऑफिशियल डॉट कॉम आप देखो वेब पेज आ जाएगा कैसे डिजाइन किया गया एस टी एम एल के थ्रू उसे डिजाइन किया गया एंड डिज़ाइनिंग आपको वेब ब्राउजर दिखा देती है ठीक है तो यही आपका एस टी एम एल का काम होता है एस टी एम एल का काम क्या है कोई भी चीज़ आप लिखो उसको वो वेब ब्राउजर आपको दिखा दे ठीक है तो आप इसे पढ़ सकते हो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए एग्जाम के अंदर आएगा तो उसे आप थोड़ी ही आओगे ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है दी ट्रम रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है रिलेशनल मतलब रिलेशन बनाना डेटाबेस मतलब एक डेटा के साथ दूसरे डेटा का रिलेशन होना जरूरी है लाइक like मैंने क्या कहा एक टेबल बना पड़ा है ये आपका टेबल है अब इस टेबल के अंदर यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने तो नेम के साथ यहाँ पे मैंने जो है एम्प्लॉय की एड्रेस लिखी है नेम अगर मैं देखता हूँ नेम मेरे पास एड्रेस ना हो ठीक है ओनली नेम हो तो मैं उसके बारे में कोई डिटेल पता कर सकता हूँ मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम से रिलेशन बना के रखे मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हो ऐसे क्या कहलाते डेटा बेस सिस्टम आपके रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम तो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा आप डेटा को ऑर्गेनाइज तो कर लेते हो डेटा को कलेक्ट तो कर लेते हो फिर वो जो डेटा टेबल में फिल किए जाते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नेम जो है एड्रेस से कनेक्ट होगा एड्रेस जो है फ़ोन नंबर से कनेक्ट होगा फ़ोन नंबर जो है ये नहीं है कोई एक इंडिविजुअल हो नेम से आप फ़ोन नंबर तो पता नहीं कर सकते ना है आपको बता दूँ मैं कि सीता है है ना या फिर आपके कोई भी दोस्त है दोस्त में कोई भी हो रामू हो है ना काकू हो कोई भी हो तो उनके नंबर से नंबर से तो आप उन्हें कॉल करके तुरंत पूछ लोगे उनके डेटा के बारे में बट नेम से क्या उनके डेटा के बारे में पूछ सकते हो कहाँ रहता है क्या है ऐसा नहीं पूछ सकते ना तो नेम से डेटा नहीं पता चलेगा नेम से उस कॉलम का रिलेशन बनना जरूरी है तो कॉलम का जो रिलेशन होता है इसी से हम क्या कहते हैं आपका ईजिएस्ट फॉर्म में उनके डेटा बेस सिस्टम को हम प्राप्त कर पाते हैं उनके डेटा को हम जान पाते हैं देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है सिंपल सी बात में ये कही जाएगी मैं कहूँ डेटा तो मैंने क्या कहा आपको मैंने सपोज मानो कि एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स हैं ठीक है या फिर आपका सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही वास्ट है तो सिलेबस को हम कहेंगे डेटा जब कोई चीज आपकी बहुत बड़ी हो बहुत ज्यादा इंफॉर्म बहुत ज्यादा डेटा उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हो तो वो कहलाती है डेटा उन डेटा में से आप एक्सेप्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्या आपके लिए क्या है हेल्पफुल है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन होता है ना हम चैप्टर को पढ़ के हम नोट्स बना लेते हैं तो चैप्टर है ये डेटा और नोट्स जो बना लिया आपने ताकि आपको वो चैप्टर इजीली तरीके से समझ आ जाए जा वो कहलाया इन्फॉर्मेशन तो डेटा क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेटा जो है होता है वो अनऑर्गेनाइज एंड अन आपका रिफाइंड फैक्ट्स होते हैं जो रिफाइन नहीं किए हुए उसमें सारे फैक्ट्स मिले हुए इन्फॉर्मेशन रिफाइन किया हुआ ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा एंड जो सिस्टम होता है उसकी बात की जाती है ये क्या किया जाता है जो डेटा होता है उसमें रॉ मटेरियल सब कुछ जो होता है मिला होता है इंडिविजुअल कंटेन रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग जिसका मतलब क्या है बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है भरी पड़ी है बुक्स पढ़ लो ना आपको मिल जाए बट वहाँ से आप क्या कर लो नोट्स बना लो एक शॉर्ट नोट्स बना लो तो वो आपकी कहलाती है इंफॉमेसन डेटा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है लाइक इंफॉमेशन पर डिपेंड नहीं करती है बट हाँ इन्फॉमेसन आपकी डेटा पर डिपेंड करती है डेटा से ही आप इन्फॉर्मेशन को निकालती हो ठीक है तो इस तरीके से आप ये पूरी चीज़ें लिख सकते हो है ना एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है डेटा जो है स्टूडेंट ने स्कोर किया मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किया मार्क्स वो आपका डेटा है बट उसी का एवरेज निकाल लो कि एवरेज स्टूडेंट ने कितने मार्क्स किए हैं गेन वो कहलाएगा आपका इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कंप्यूटर साइंस इतना हार्ड नहीं है बट हार्ड क्यों कैसे बन जाता है आगे कोडिंग आएगी देखिए अभी सी प्लस प्लस है ना ये सभी कोडिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लगते हैं कि अरे भैया ये कोड कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको हर तरीके के क्वेश्चन ईजीएसट तरीके से बताऊंगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डी डी एल एंड डी एम एल डी डी एल मतलब क्या होता है डी डी एल मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डी एम एल मतलब क्या होता है आपका डेटा मैन्युपलेसन लैंग्वेज ये दोनों के दोनों एक्सक्ल के लैंग्वेज एस क्यूएल मतलब जानते हो ना आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ये आपके किसी भी चीज़ को जैसे कोई भी आपके क्योरी होती है उसको आपको एक लैंग्वेज है इसमें आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना देती है तो इसी को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है डी डी एल एंड डी एम एल डी डी एल आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ठीक है इसका यूज़ किस में करते हैं हम डी डी एल का यूज़ करते हैं हम इसका यूज करते हैं क्रिएट डेटा बेस स्कीम एंड कैन नॉट यूज टू डिफाइन देंट एज डी एम एल का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को एड करने में हटाने में अपडेट करने में ठीक है इन सभी चीज़ों के लिए हम डी एम एल का यूज़ करते हैं कोई आपका जब मैंने टेबल दे दिया उसमें आप इन सभी चीज़ों को करोगे तो ठीक है इट बेसिकली डिफाइन द कॉलम ऑफ द टेबल मतलब इससे आप कॉलम को डिफाइन कर सकते हो मतलब जो आपका डी डी एल है उससे कॉलम को और डी एम एल से आप उसके इसको रो को डिफाइन कर सकते हो ठीक है इट डज नॉट एनी फर्दर क्लासिफिकेशन आप कॉलम को दोबारा से क्लासिफाई नहीं कर सकते हो डीएमएल को आप क्लासिफाई कर सकते हो प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल के अंदर तो इसके एग्जांपल्स में आप देखोगे तो कमांड्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं डीडीएल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो ड्रॉप रीनेम कर सकते हो एल्टर कर सकते हो एक्सेट्रा बेसिक कमांड जो होते हैं डीएमएल के अंदर अपडेट कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो और मर्ज कर सकते हो ठीक है इसके अंदर ये सारे इनके फीचर्स है देन इसके बाद आता है आपका दे, देखा जाए तो ज्यादातर डिफरेंशिएट बिटवीन ही आपके क्वेश्चन दिख रहे देखो यहाँ भी आए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फिजिकल वर्सेज लॉजिकल रिकॉर्ड फिजिकल रिकॉर्ड और लॉजिकल रिकॉर्ड में आप अंतर समझो फिजिकल मतलब जो आपके डेटा आपके एस एस डी या हार्ड डिस्क इन सभी चीजों में आपके सेव रहे उसको आप फिजिकल बोलोगे और लॉजिकल क्या कहोगे लॉजिकल कहोगे आप अकॉर्डिंग टू कोड फॉर्म में लिख दिए અને આ કોડ કે થ્રુ આમ ઉસકો ક્યા કરે એક્સેસ કરે ઠીક હે તો આપ યહા પે દેખો ఫిઝિકલ જો હોતા હે વો એક્ચ્યુઅલ ડેટા રિપ્રેઝન્ટેશન હોતા હે ઠીક હે જો આપ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ સચ એસ હાર્ડ એક્સ એસ એસ ડી કે અંદર આપ દેખતે હો જો બાઈનરી ફોર્મ મે હોતા હે રીટન હોતા હે ઉસે આપ રીડ વી કર સકતે હો લોજિકલ જો રેકોર્ડસ હોતે હે વો ક્યા હોતે હે ઉસે હમ એબ્સ્ટ્રેક્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેટા કહેતે હે और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डी बी एम एस के थ्रू क्या किया जाता है इसे कॉन्सेपचुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ठीक है और ये आपका कोड मैंने बताया था ना स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपका एस क्यूएल लैंग्वेज उसके थ्रू आप इसे रिप्रेजेंट कर पाते ठीक है तो ये सिंपल सी लैंग्वेज बोला जाए ना तो आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं लेकिन उस लैंग्वेज में मैंने सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज का यूज़ करके आपको मैंने ये पी डी एफ बनाई है ठीक है अच्छे से एक बार रीड करना ए टू जेड आपको समझ आएगा और मैंने इसलिए आपको समझा भी रहा हूँ ताकि फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आप ईजिएस्ट तरीके से खत्म कर सकते हो ठीक है रिलेशनशिप आता है तो इसी के दूसरा एक फीचर कह सकते हो आप करेक्ट है स्टेक कि आपका फिजिकल रिकॉर्ड जो होता है वो तो आपका स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहता ही है ठीक है इसको रीड एंड रिटर्न जो कर सकते हो रिटर्न या फिर आप रीड जो कर सकते हो वो स्टोरेज डिवाइस से डायरेक्टली मीडिया में जाके आप चेक कर सकते हो ठीक है और ये आपका हार्डवेयर में क्या होता है किसी भी फॉर्मेट में या डिटरमाइन जो किया जाता है वो हार्डवेयर से किया जाता है बट लॉजिकल जो होता है वो आप लैंग्वेज के थ्रू ही आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते जो भी करोगे उसके थ्रू ही करोगे ठीक है एसक्यूएल नेक्स्ट आता है आपका कंपेयर बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज ये कौन सी लैंग्वेज है भैया ये भी लैंग्वेज इसी तरीके होती है होती है लैंग्वेज को ही हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है एक पर्टिकुलर क्लास को देखें उसके प्रॉब्लम को देखें लाइक like आपका किसी बिजनेस को डिज़ाइन करना है उसके लिए हम कोवल लैंग्वेज हमने रख दिया है ना फोर्ट्रन हमने साइंटिफिक के लिए रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम को ही देख रही है है ना प्रॉब्लम को ही देख रही है ये लैंग्वेज ओनली बिजनेस के लिए फोर्ट्रन की बात की जाए तो ये आपका ओनली साइंटिफिक के लिए तो ऐसे एक प्रॉब्लम को देखिए ऐसे लैंग्वेज आपके कौन से कहलाते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज वो सारे लैंग्वेज जैसे सी हो गया पास्कल हो गया ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं ठीक है थेके? जो प्रोसीजरल फॉर्म में कंप्यूटेशन स्टेप बाय स्टेप कोई वर्किंग करती है एग्जीक्यूशन अभी जितने भी कोड देखो ना सी के आप सी के कोड लिखते जाते हो कि कैसे एवरेज निकालते कैसे सम निकालते तो हम कोड लिखते हैं फिर धीरे धीरे हम उसे रन करवाते हैं तो आप क्या देखोगे धीरे धीरे एक एक लाइन एग्जीक्यूट होते जाती है और जहाँ एरर आता है नीचे लिख देता है भैया इस लाइन में एरर है ठीक कर लो वरना इस कोड को हम रन नहीं करेंगे तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है सारी और ये आपके क्या होते है? एक सिंपल प्रॉब्लम को जो चेक व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टमेशन आपको इसका जो मीडिया है ये कम्युनिकेशन है ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आपकी डिवाइस इंटरकनेक्ट थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू तो इसी को हम क्या कहते हैं आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस तो आपको क्या करना है नेटवर्क के थ्रू इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया आपने इसे देखा आपको समझ आया आपने इसकी फीड कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिख डाले इससे मोटिवेशन बढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आया तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम यूँ है ना है ना एक्यूरेसी भी है इफिशियंसी भी है टाइम की बचत भी है सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है ठीक है देन इसके बाद नेम द हेडर फाइल्स हेडर फाइल्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे दिखे फाइल्स क्या होते हैं हेडर फाइल्स वो फाइल्स होते हैं जो आपके डेटा को रिटर्न टाइप देते हैं मतलब आपके कोड्स को रिटर्न टाइप देते हैं लाइक like आपका कोड किस तरीके से वर्क करेगा इस चीज़ को बताते हैं तो इसने बोला है गैट्स ये किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है तो गैट्स जो होता है वो आपके स्टूडियो डॉट एच सी प्रोग्राम है डॉट वाले जितने भी होंगे वो सी लैंग्वेज के होंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डॉट नहीं आता है ठीक है तो स्टूडियो डॉट एच जो होता है ये हेडर फाइल के थ्रू हम इसको एक्सेस कर पाते हैं लास्ट में जो लिखा हुआ होता है रिटर्न हो रही है ठीक है जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ठीक है आईओ स्ट्रीम लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट इंटमेन या वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे ये गैट्स है ठीक है तो ये स्टूडियो इसे एक्सेस कर पाता है हेडर फाइल सेम है नेम दी फाइल डी फंक्शन पुट्स किसके लिए होता है तो पुट्स भी स्टूडियो डॉट एच के लिए होता है दोनों के सेम है देख रहे हो और बहुत जाना इसके सोचेंगे कि दोनों का सेम कैसे होगा अरे हटा देते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप इन दोनों को भी कर पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द डेटा हाइडिंग डेटा हाइडिंग सिस्टम आपका जो होता है ना ठीक है हाइडिंग सिस्टम ये ओ ओ पी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है उप्स ये जो होता है लैंग्वेज इसके थ्रू आप इनकेप्सुलेशन देखा जाता है ना तो बहुत सारे इसमें इनकेप्सुलेशन इसकी डेफिनेशन हमेशा देखी जाती है तो किसी भी का भी आ जाए इनकेप्सुलेसन का आ जाए डेटा हाइडिंग का आ जाए किसी भी चीज़ का तो आपको इसको पढ़ ही लेना है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आपको याद कर लेने तो डेटा हाइडिंग मतलब क्या होता है ये एक इस तरीके का होता है कि एक आपने कोड लिखा ठीक है लाइक आपने कोड बनाया एक मैं यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ आपको सपोज क्लास बनाई आपने और क्लास में आपने एक प्राइवेट बना दिया और प्राइवेट क्लास क्या होगा प्राइवेट क्लास ओनली एक्सेस आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता तो प्राइवेट क्लास के अंदर आपने ऐसी कुछ डेटा को क्या कर दिया आपने रख दिए जिसे आप ही एक्सेस कर सकते हो वो आपका हाइडिंग डेटा आ जाएगा जिसे आपने हाइड कर रखा है वो आपका जो यूजर है वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा उसे और वो देख नहीं सकता तो डेटा हाइडिंग मतलब क्या होता है डेटा को हाइड कर देना यूजिंग दी प्राइवेट क्लास प्राइवेट क्लास बना के आप डेटा को हाइड कर देते हो मेम्बर्स को आप हाइड कर दे ठीक है ये होता है डिफाइन क्लास इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस के अंदर एक क्लास का मतलब क्या होता है क्लास का मतलब होता है क्लास के अंदर जो भी डेटा एंड ब्लॉक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मेंबर फंक्शंस उसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसको उस क्लास को उसके थ्रू हम एक्सेस कर सके जैसे मैंने आपको क्लास बना दिया एक एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय की जितनी भी डेटा होगी ना उसके अंदर क्लास के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगी जैसे एम्प्लॉय की आपकी सैलरी एम्प्लॉय का नेम एम्प्लॉय कोड वो सभी चीज़ जो है उस क्लास के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा लाइक यहाँ पे देखो एक क्लास बनाया है क्लास नेम इस क्लास नेम के अंदर आपको डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस एक्सेस स्पेसिफायर ठीक है ये सभी चीज़ आप इस क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हो है ना तो ये क्लास यही होता है जो उसके अंदर जो ब्लॉक्स होती है उन सभी चीज़ को आप क्या कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो यूजिंग क्लास तो सी प्लस प्लस के अंदर क्लास का मतलब इसीलिए हमें बेटर uh, मिलता है कि उसे हम एक्सेस कर सकते हैं क्वेश्चन आता है राइटर सी प्लस प्लस स्टेटमेंट यूजिंग स्विच केस। ये आपका केस जो होता है बड़ा मजेदार सा होता है कोड के अंदर स्विच केस का अगर यूज कर रहे हो ना सबसे ईजीएस्ट कोड बना दिया जाता है आपको क्या करना है डिस्प्ले करना है डिजिट इवन डिजिट ठीक है एंड नॉट डिजिट मतलब ये डिजिट नहीं है अदरवाइज़ ठीक है तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे कोड के थ्रू डिस्प्ले करवाना है तो मैंने क्या किया मैंने स्टार्टिंग आप जो करते हो वो आप क्या करते हो एक कोड एक स्ट्रक्चर लिखते हो स्ट्रक्चर ऊपर का नहीं लिखा है मैंने ओनली क्या लिख के दिया आपको करेक्टर सी एच आप जब पेपर में भी लिखोगे तो ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है आप ओनली बॉडी बॉडी लिख दोगे तो भी चलेगा मैंने करेक्टर लिया फिर करेक्टर में मैंने क्या किया सी आउट करवाया जो भी करेक्टर मैंने उसे दिया मतलब कोड को मैंने सपोज ए बी सी या वन टू थ्री या टू फोर सिक्स जो भी दूंगा तो पहले मुझे उसे देना पड़ेगा तभी तो वो मुझे बताएगा कि ये भैया ओड है या इवन है तो मैंने क्या किया करेक्टर लिया सी आउट मैंने क्या करवाया एंटर अ करेक्टर करेक्टर क्या मैंने दिया है उसे सी आउट करो सी आउट तभी करेगा जब मैं सी इन करूंगा तो मैंने पहले उसे दिया सी इन किया स्विच केस यहाँ से स्टार्ट हुआ स्विच केस स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए जाते हैं केस क्या बनता है यहाँ पे जीरो का केस टू का फोर का क्योंकि ये इवन डिजिट्स है ये अगर आते हैं तो हमें क्या uh, मिल जाएगा अगर मैं ये पुट करता हूँ अगर एंटर करता हूं तो वो मुझे दिखा देगा कि सी आउट इवन डिजिट ये क्या है आपका डिजिट इवन है अब ब्रेक फिर रुक जाएगा अगर ये ना रहे इस केस से बाहर आ जाएगा ब्रेक का मतलब क्या है ये सारे कोड्स को चेक करेगा कि इनमें से कोई मैच कर रहे नहीं कर रहे तो ब्रेक का मतलब ये इससे बाहर आ जाएगा बाहर आने के बाद फिर क्या करेगा ये केस वन थ्री फाइव सेवन नाइन को चेक करेगा अगर इनमें से रहता है तो वो हमें और डिजिट लिख के दे देगा अदरवाइज ये ब्रेक में से बाहर निकल जाए और बाहर निकलते ही वो डिफ़ॉल्ट को चेक करेगा कि डिफ़ॉल्ट क्या है नॉट डिजिट अगर हमने ए बी सी डी दिया है तो वो डिजिट तो होगा नहीं तो वो हमें नॉट डिजिट क्या करेगा डिस्प्ले कर देगा तो ये कोड मैंने इस तरीके से आपका स्विच केस के इसके अकॉर्डिंग लिख के दिया है और यही क्वेश्चन ने कहा था कि लिख के दिखाओ तो लिख दिया मैंने फिर आता आपका एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स ब्रांच स्टेटमेंट else का मतलब क्या होता है else ब्रांच स्टेटमेंट का मतलब एक ही e फेल्स के अंदर दूसरा else जब डाल दिया जाता है तो वो नेस्टेड कंडीशन कहला जाती है मींस क्या हुआ मैंने else का मतलब क्या होता है इसमें ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन होती है पहले मैंने else से बेस स्टेटमेंट बनाई फिर उसके अंदर एक और else का यूज कर लिया तो वो else क्या कहलाएगा आपका नेस्टेड कहलाएगा ठीक है लाइक like यहाँ पे क्या किया कंडीशन मैंने फर्स्ट दिया यहाँ पे ट्रू हुआ ये फॉल्स हुआ फॉल्स होता है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे ये ट्रू आ गया ट्रू आया तो ये इसके अंदर जाएगा और ये चेक करेगा फिर सेकेंड कंडीशन में ई फेल्स को चेक करेगा ये फिर इसमें चेक करेगा फिर इसमें चेक करेगा तो इस तरीके से ये जो कहलाते हैं ना तो ये स्टेटमेंट ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो ये इ फेल्स के अंदर इफेल्स फिर इसके अंदर भी ई फेल्स यूज हो रहा है तो ये जो इफेल्स एक के अंदर एक यूज़ होने लग जाते हैं तो उसे हम ने कंडीशन कहना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है नेस्टेड स्टेटमेंट या नेस्टेड एल्स के नाम से जानते हैं तो एक के अंदर एक यूज हो रहे हो तब की बात है देन इसके बाद है राइट अ फंक्शन सी प्लस प्लस टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल ओड नंबर टिल हंड्रेड आपको क्या करना है हंड्रेड तक जितने भी ओड नंबर आपको दिख रहे हैं उन सभी को आपको प्रिंट करके बताना है तो आपने क्या किया आप एक पहले बॉडी लिखोगे एक जो आपका बोला जाए तो एक स्ट्रक्चर होता है मैंने क्या लिया आईओ अब जानते हो सी प्लस प्लस है तो यहाँ पे हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आ जाता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं यूजिंग नेम इन स्पेस एस इसलिए लगाते हैं ताकि ये आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आ जाता है void सम मतलब एक क्लास हमने बना दी है void सम odd नंबर मतलब हमें क्या चाहिए सम चाहिए ऑड नंबर का ठीक है यहां से हमारा स्टार्ट होता है कभी भी याद रखना सम कभी भी हम निकालते हैं ना तो स्टार्टिंग में जो इंट सम होता है वो ऑलवेज जीरो लिया जाता है ठीक है तो इंट सम मैंने क्या किया ऑलवेज जीरो ले लिया अब एक फोर लूप लगाया क्योंकि हम पूरे कंडीशन को बार बार तो देते नहीं रहेंगे हंड्रेड तक लेके तो है है, ले जाना है या हंड्रेड से कम और एक एक बढ़ाते हुए चलना है फोर लूप लगाया तो फोर का मतलब होता है चेक करते चलेगा अपने आप लूप लगने के बाद इफ कंडीशन इसमें एग्जीक्यूट होगा और इफ कंडीशन का मतलब यहाँ पे आई जो है इसका मतलब होता है रिमाइंडर टू से जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो नहीं बचना चाहिए ठीक है इसका मतलब होता है नहीं ठीक है अगर ये नहीं लगा होता इसका मतलब रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए तो आई को डिवाइड करोगे टू से तो रिमाइंडर जीरो ना हो तो फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा इसका मतलब है कि सम जो है सम प्लस जो है इजिकल टू आई या इसका मतलब एक और होता है सम इज टू सम दोनों का मतलब ये है ठीक है तो आप क्या करोगे सम प्लस आई है तो आप यहाँ पे करके चेक करोगे सपोज मैंने वन पुट किया वन को आप डिवाइड करते हो अगर टू से तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा रिमाइंडर जीरो तो बचेगा नहीं तो रिमाइंडर जीरो नहीं है इसका मतलब ये जो है ट्रू है और ये आपको इसको एग्जीक्यूट करवाएगा और इसको एग्जीक्यूट करवाएगा तो सम की वैल्यू क्या लिया है? हमने जीरो प्लस आई की वैल्यू हमने लिए वन तो सम कितना आ जाएगा आपका वन आ जाएगा फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन ऐसे ये लूप लगाते चलेंगे और एंड में जब सो तक पहुंच जाएंगे तो ये हमें पहले ये लिख देगा कि सम ऑफ जो भी ये इन्वर्टेड कोमा में होते हैं ना ये जो ये पहले लिखे जाते हैं तो ये पहले लिख देगा सम ऑफ ऑड नंबर टिल हंड्रेड और सेमी कॉलोन लगाने के बाद उसके बाद जो भी उसका सम आएगा वो सम करके आपको दिखा देगा तो एक से लेकर सो तक के ओड नंबर का जो सम होगा वो सम आपका चेकआउट करके ये बता देगा अब एक क्लास बना दी कि जो एक्सेस करेगा ये तो आपकी क्लास हो गई है ना अब मेन मैंने बना दिया कि सम और नंबर वो रिटर्न कर दिया जीरो क्योंकि इंट का जो रिटर्न टाइप होता है वो जीरो होता है और यहाँ से आपका ये एक्सेस हो जाएगा इसके बाद रन होने के बाद ये हमें डिस्प्ले करवा देगा तो हो गया ये फिर इसके बाद क्या है एक्सप्लेन द कंटिन्यू एंड ब्रेक्स स्टेटमेंट क्या करना है कोड वाले क्वेश्चन ना कोड वाले वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे तो उनके कोड वाले क्वेश्चन आप ज्यादातर कर लो मैंने और भी क्वेश्चन बना रखे हैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सी प्लस प्लस का और इसके लिए मैं जो कंप्यूटर साइंस की वो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिंक दे दूंगा एक बार उससे जरूर देख लेना और कोड वाले क्वेश्चंस करके देखना प्रीवियस ईयर को उठाओ उनसे एक बार करके देखो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अब यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन करना है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक वाला अभी आप समझ गए थे कंटिन्यू वाला होता है कि वो उसे कंटिन्यूस चलाता जाता है टर्मिनेट नहीं करता ठीक है क्या है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द नेक्स्ट एट्रेशन मतलब ये आपका आइट्रेशन को बढ़ाता जाएगा मतलब पहले इस पर चलेगा फिर इस पर चलेगा इस पर फोर लूप आपने देखा ना अभी फोर लूप वो क्या कर रहा है बार बार चलाता जा रहा है चलाता जा रहा है चलाता जा रहा है जब तक उसे फॉल्स नहीं मिलेगा जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा ठीक है तो वो आपका कंटिन्यूस चलता जाता है ठीक है टर्मिनेट नहीं होगा बट जो ब्रेक वाला सिस्टम होता है वो ब्रेक वाला सिस्टम जैसे ही उसे आपका फॉल्स मिलेगी स्टेटमेंट आपकी जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी सारी की सारी उसके बाद वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप जो भी करंट लूप है उसे एग्जीक्यूट करेगा अदरवाइज वो क्या कर लेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट उसे बाहर करेगा स्विच केस में अभी आपने देखा था कि दो चार आठ आठ तक हम गए थे आठ के बाद उसे कुछ नहीं मिला तो फॉल्स होते ही वो क्या हो गया बाहर निकल गया है ना स्विच केस से बाहर निकल गया तो ऐसे ही केस होते हैं स्विच केस से बाहर निकल जाए देन इसके बाद आया हुआ है एक क्वेश्चन आपको करना ये ठीक है मैंने स्पेशली दिया कि आपका वट विल बी दैल्यू ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके बाद वाला आपको दूंगा ठीक है विल बी विल्यू ऑफ सम आफ्टर फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एक प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है और एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उसे आपको बताना है उसने क्वेश्चन में प्रोग्राम में क्या कहा है कि सम जो है टू है और चेक करना है कि जो वाइल आपका जो के की वैल्यू उसने पुट की है वो ऑलवेज जीरो से बड़ी होनी चाहिए आप क्वेश्चन पेपर में लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेकआउट कर लेना आप इस क्वेश्चन को, को के की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए अगर जीरो से बड़ी है ठीक है तो वो आपका कहां तक चलना है के की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है तो नाइन तक लेके जाना है उसे छोटा या इक्वल्स टू नाइन के नाइन से बड़ा नहीं लेके जाना नाइन तक ही लेके जाना है तो मैंने पुट किया सपोज मानो कि मैंने पुट किया टू ठीक है मैंने जब टू पुट किया तो एग्जीक्यूट किया मैंने तो के माइनस वन हुआ तो टू अगर मैं पुट करता हूँ तो टू माइनस वन करोगे तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा जीरो से बड़ा है अगर मैंने इसी की जगह टू की जगह वन से स्टार्ट किया होता तो वन पुट अगर करता तो वन माइनस वन इजिक्वल टू जीरो तो ये तो फॉल्स हो जाता और ये फॉल्स हो जाता तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं बाहर हम निकल जाएंगे तो ये वन वाली कंडीशन इसलिए मैंने नहीं ली ठीक है तो वन वाले कंडीशन को मैंने नहीं लिया ठीक और रिटर्न क्या किया जब वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो वन जो है ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट कंडीशन में वन आया उसके बाद जो है वो नाइन तक लेके जाना है तो फर्स्ट कंडीशन तो वन हो गया बच गया कितने आठ केस और आठ केस में वो कितना लेके आएगा टू 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 की पावर लेके आएगा आप देखोगे तो कोड में आपको दिख जाएगा टू की पावर तो टू की पावर इन सब टू की पावर एट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिटर्न वो आपको पांच सौ बारह डिस्प्ले करवा देगा तो कोड के अंदर इसमें क्या करना था आपको आउटपुट फाइंड करना था क्या करना था आपको आउटपुट प्रोग्राम दिए हुए थे एग्जीक्यूट करके खुद से आउटपुट तो इसको आपको समझना पड़ेगा कोड को रीड करना पड़ेगा तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करके दिखा दिया क्वेश्चन देखने के लिए आप नाइनटीन क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर से एक बार देख सकते हो ठीक है आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला आपको करना है तो फॉल्स अगर रहता है तो वो आपको आउट करवाएगा ट्रू क्या करवाएगा ट्रू ठीक है डिफाइन ट्रू अगर ट्रू वन है अगर ट्रू है तो उस टाइम पे जो ट्रू की बात आए तो उस टाइम पे वो फॉल्स करवाएगा ठीक है और डिफाइन नल नल है तो नल के टाइम पे जो होगा नल के टाइम पे वो हमें फॉल्स डिस्प्ले करेगा तो इसने पूछा कि इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा ट्राई करो एक बार ठीक है आपने इतने कोड को देखा तो ये वाला जरूर करोगे आंसर के लिए मैंने इसमें ऑप्शन छोड़ा हुआ है ठीक है इसलिए आपके लिए नेक्स्ट ट्वेंटी वन की बात करते हैं राइट अ फंक्शन वेरीफाई वेरीफाई फंक्शन एक आपको लिखना है सी प्लस प्लस में जो कि एक्सेप्ट करे अल्फाबेट को और चेक करके बताए कि वो अपर केस है कि नहीं अपर केस मतलब छोटी ए बी सी डी है बड़ी ए बी सी डी है बड़ी एबीसीडी है तो ये आपको अपर केस लिख के देगा अदरवाइज वो नॉट अपर केस लिख के देगा ठीक है ये आपको वेरीफाई करना है तो आप सेम स्ट्रक्चर लिखोगे तीन ये चीज तो आपको लिखना ही होता है वेरीफाई करेक्टर ले लिया मैंने एक इफ कंडीशन लगाई मैंने एक करेक्टर जो है वो ए से बड़ा मीन्स मतलब ए बी सी डी एफ जी एच तक जाएगा और जेड से छोटा रहेगा मतलब जेड के बाद ए बी सी डी दोबारा से नहीं जेड तक ही जाना है जेड से ऊपर नहीं जाना तो अगर इन सब चीज में से आता है कोई तो आपको सी आउट हो जाएगा करेक्टर सी यहाँ पे लिया है याद रखना जो ये इन्वर्टेड कोमा में होता है वो लिखा हुआ आपको प्रिंट होगा द करेक्टर और जो ऐसे रहता है वो इसको एक्सेस करेगा तो ये इसमें एक्सेस करेगा और चेक करेगा कि जो हमने पुट किया है वो अपर केस है कि नहीं तो ये यहाँ पे लिख देगा फिर लिखेगा इज अपर केस सपोज मैंने यहाँ पे कैपिटल ए फिट किया दिया कंप्यूटर को तो ये लिखेगा द करेक्टर ए इज अपर केस ठीक है द करेक्टर ए इज अपर केस एंडल का मतलब होता है लाइन चेंज कर दो एंडल का मतलब होता है ये एल है वन नहीं है याद रखना एंडल का मतलब होता है लाइन चेंज कर दो ठीक है इसके बाद एल्स अगर ये नहीं होता अगर मैंने कैपिटल ए नहीं दिया होता तब तो ये फॉल्स हो जाती है ना ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करता है ये इससे तो बाहर इस कोड से तो बाहर निकल जाता और इससे बाहर निकलने के बाद अब आता है ये एल्स पे एल्स पे चेक करता तो ये लिखता द करेक्टर ये इज नॉट अपर केस ये लिख देता सपोज मैंने ये छोटी ए बी सी डी में दिया होता तो ये ए लिखता द करेक्टर ए इज नॉट अपर केस ये आपको प्रिंट कर देता एंडल का मतलब लाइन चेंज कर दो इंट मेन में करेक्टर दिया अल्फ़ाबेट में पुट करूंगा तो सी आउट कर दिया मैंने एंटर अल्फाबेट सी एन कर दिया और वेरीफाई सी कर दिया रिटर्न जीरो तो इस तरीके से आपने ये कोड लिख दिया वेरीफाई का तो वेरीफाई का भी कोड आप लिख सकते हो देन नेक्स्ट ये प्रेडिक्ट करना आउटपुट आउटपुट प्रेडिक्ट करना है तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने प्रेडिक्ट करना आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा ज्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो इस कारण से आपके लिए छोड़ दिया आप एक बार करके देखोगे include इंक्लूड आई यो स्ट्रीम डोटे डोटेस का मतलब है सी लैंग्वेज है void मेन है अब यहाँ पे void मेन main... <coughs> तो वॉइड मेन की बात की जाएगी तो डबल करेक्टर लिया मैंने सी आउट किया मैंने यहाँ पे सी आउट एंटर दी वैल्यू एक बार इसे एक बार चेक करोगे स्विच केस का यूज करके आपको यहाँ पे सी आउट करवाया ब्रेक करना है फिर आपका केस सेकंड सी आउट करवाना है ब्रेक करना है ठीक है ट्राई करो स्विच केस मैंने करवाया है तो एक बार ट्राई करके देखो नेक्स्ट पे आता है एम ट्वेंटी ये आया आपका क्या एस से एसक्यूएल के ये क्वेश्चन जो होते हैं ना स्ट्रक्चर वाले क्लास बनाने वाले ठीक है ओप्स में से ये बड़े मजेदार से होते हैं सब कुछ डेटा लिखा हुआ होता है बस उससे आप कोड फॉर्म में लिखना है देखना समझना अच्छे तरीके से क्या है डिफाइन करना है क्लास एम्प्लॉय आपको पहले इंप्लॉय क्लास जो बनानी है वो इम्प्लॉय नेम से बनानी है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन प्राइवेट जो मेंबर होंगे वो क्या लिखना है इम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग यूज करके डिवीजन स्ट्रिंग से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिंग से ठीक है फिर पब्लिक मेंबर के अंदर आपको ये ये चीज़ें यूज करनी है क्या कंस्ट्रक्चर यूज करना है जो इनिसलाइज करे ऑल न्यूमेरिक मेंबर को जीरो एंड ऑल स्ट्रिंग ए बी सी को गेट डेटा जो है वो एक्सेप्ट करे एंटायर डेटा को और सो so डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाए ये ले और ये दे और ये आपका एक कोड बना के दे जो एक्सेप्ट करे जीरो नुमेरिक और ए बी सी सब को. तो हम क्या करेंगे देखो पूरा लिखने का तरीका ये ही चीज क्वेश्चन में से ही आपको आंसर लिखना है सब कुछ पहले आप ये लिख दोगे ये सेम टू सेम लिखोगे आईओ स्ट्रीम लिख दोगे ये लिख दोगे यूजिंग नेम स्पेस ये तीन चीज़ तो आपको याद रखना है ये लिखना ही है फिर आप देखो क्लास क्या बोला था उसने इम्प्लॉय बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पे क्लास आपका देखो इम्प्लॉय बना दिया क्लास एम्प्लॉय आपके कर्ली भी ओपन किए प्राइवेट के अंदर उसने क्या बोला है कि आपको एम्प्लॉय कोड न्यूमेरिक फॉर्म का मतलब इंटीजर फॉर्म होगा एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग फॉर्म

फिर इसके बाद पब्लिक के अंदर आते हैं तो पब्लिक के अंदर आप याद रखना जो भी आप यहाँ पे बनाओगे ना क्लास को हटा देना है और एम्प्लॉय को लिख देना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय और आपका ब्रैकेट और यहाँ पे करली ब्रेसिस ओपन जो भी होगा अगर न्यूमेरिक फॉर्म में जो भी चीज़ है तो उसको आप जीरो दोगे ठीक है तो उसने ही कहा था ना तो एम्प्लॉय कोड जीरो होगा एम्प्लॉय नेम आपका ए बी सी है स्ट्रिंग फॉर्म में जो भी होगा उसे ए बी सी देना है इसने कहा है तो मैंने क्या ए बी सी लिख दिया डिवीजन भी ए बी सी हो गया ऑर्गेनाइजेशन भी ए बी सी हो गया बंद हो गया अब क्या बोला था इसने थर्ड केस थर्ड बोला है आपको गेट डेटा लिखना है कंस्ट्रक्टर बन चुका है अब गेट डेटा जो कि सभी चीज़ों को आपका एक्सेप्ट करे सभी डेटा को एक्सेप्ट करे तो मैंने वॉर्ड बनाया हर चीज को वॉर्ड गेट डेटा ये बना के क्लास लिया अब यहाँ पे सी आउट करवाना है एम्प्लॉय कोड सी इन करवाना है एम्प्लॉय कोड जो यहाँ सी आउट करवाए वो सी इन करवाऊंगा सी आउट आपने एम्प्लॉय नेम करवाया सी इन करवा दिया सी आउट आपने डिवीजन करवाया सी इन करवा दिया सी आउट आपने आपने ऑर्गेनाइजेशन करवाया सी एन आपने ऑर्गेनाइजेशन बंद खत्म उसी से लिखा मैंने ये चीज आप फॉर्मेट देख लो फॉर्मेट कि आप किस तरीके से लिख रहा हूं मैं पहले प्राइवेट बनाया फिर पब्लिक उस क्वेश्चन में से छाप दिया वाइड गेट डेटा के अंदर जो जो चीज उसने कहे थे उन सभी चीजों को मैंने सी आउट करवा दिया सी इन करवा दिया फिर सो so डेटा उसने कहा थर्ड पॉइंट क्या कहा है कि सो so डेटा बनाओ ठीक है जो सारे चीजों को डिस्प्ले करवाए तो डिस्प्ले में सी आउट करवाना है सब कुछ ठीक है तो सी आउट करवा दिया एम्प्लॉय कोड यहाँ पे जो भी इसमें लिखा होता है वो क्या कि लिख के आता है और जो ये है वो आपको एक्सेस करेगा तो ये आपका लिख दिया ठीक है फिर ये लिख दिया इसका मतलब होता है आउटपुट निकालना डिवीजन लिख दिया फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लास यहाँ पे बंद होके क्लास बंद होगा वहां पे आपको ये कोमा लगा देना है फिर आपको इंट मेन के अंदर आपको क्या करना है नाम देना है तो इम्प्लॉय को आपने EMP दे दिया नाम तो ई एम पी डॉट गैट डेटा और ई एम पी डॉट सो डेटा बनाया और सो so डेटा बस उन दोनों को ही आपको एक्सेस करवाना है और रिटर्न जीरो क्लास बन के तैयार है तो पहले आपने क्या बनाया कंस्ट्रक्टर फिर उसके बाद आपने गेट डेटा फिर आपने सो so डेटा उसके बाद आपने क्या कर दिया उसका एक मेन फंक्शन बना दिया काम खत्म हो गया इसी तरीके से आपको कोड बनाने होते हैं

क्लास किस टाइप का बना है? बैक्स का और पब्लिक के अंदर क्या है बैक्स ही है ठीक है अगर चेंज हो जाता तो इनहेरिटेंस चेंज हो जाता तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस यूज हो रहा है ड्राइवड ही यूज हो रहे हैं तो फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस है तो सिंगल इनहेरिटेंस तो आपको समझ आ गया कि दोनों चीज पब्लिक और उसके अंदर जो है आपका स्टार्टिंग क्लास वो दोनों सेम मिल जाए तो वो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं उसके बाद आपका क्या है विच ऑल डेटा मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम माई इनपुट आप माई इनपुट के थ्रू कौन से डेटा को एक्सेस कर, तो कर पा रहे हो तो माई इनपुट के थ्रू आप किसको एक्सेस कर पा रहे हो प्राइस को प्रोटेक्टेड जो मेंबर है बेस क्लास बैग से उससे आप प्राइस को क्या कर पा रहे हो एक्सेस कर पा रहे हो एम बैग नेम से आप वेट को ठीक है मेंबर ड्राइव क्लास माई बैग से आप एक्सेस कर पा रहे हो ठीक है नेक्स्ट थर्ड आता है आपका यहाँ पे नेम द मेंबर फंक्शन विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई बैग ठीक है आपको माई बैग में से ठीक है फंक्शन जो है मेम्बर फंक्शन को एक्सेसिबल करना object है ऑब्जेक्ट ठीक तो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट आपका माई बैग में से क्या क्या आप एक्सेस कर पाओगे बैग इनपुट बैग सो माई इनपुट इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाओगे बस यही चीजें आपको बतानी थी ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन खतरनाक देखने में लगते हैं होते नहीं है देन ट्वेंटी फाइव है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज नंबर इन इंटीजर एरे ऑफ साइज टेन मतलब साइज एरे का आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एवरेज नंबर को क्या करे आपका एक्सेस कर तो हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लेना है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन से स्टार्ट करना है ये चीजें तो आपकी बॉडी होती है ये तो आपको लिखना ही लिखना इंट एरे आप टेन साइज का लोगे टेन साइज में आप साइज दे दोगे वन टू थ्री फोर जो भी है उसकी वैल्यू दे दोगे हमेशा सम को आप जीरो रखना है ये याद रखना इन सम आपने लिया जीरो फोर लूप आपने लगाया टेन तक अपने आप एक्सेस करेगा आई ए जी कस्टू जीरो से आप स्टार्ट करोगे टेन से छोटे तक जाओगे और एक एक करके अपने आप बढ़ाते जाओगे सम जो है वो सम प्लस एरे हो जाएगा और वो आपको एक्सेस करवा देगा एवरेज निकालना है तो डबल एवरेज करके आप एवरेज निकालोगे एवरेज का क्या होता है सम करके टेन से डिवाइड टेन है तो टेन से डिवाइड कर दोगे और वो आपका एवरेज जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा बात खत्म कोड लिख दिए है ना तो आप क्या करोगे पहले आप एरे दोगे फिर सम के लिए जीरो लिखोगे और लुप लगाओगे एंड उसके बाद सी आउट करवा दोगे बात खत्म हो गई यहाँ पे मैंने लिख दिया एक से लेकर दस तक का जो सम होता है वो फिफ्टी फाइव होता है डिवाइड बाय आप उसे टेन से कर दोगे तो फाइव पॉइंट फाइव आ जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लेन इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मतलब सिंपल सी बात है इम्प्लीसिड जो होता है वो आप सिंपल सा कैलकुलेशन भी कर सकते हो जरूरी प्रोग्रामर करे मैंने बोला कि आपको ए की वैल्यू दी है फाइव बी की वैल्यू दे दी है मैंने टू मैं बोलूँ सी जीव टू ए प्लस बी है तो आप क्या करोगे फाइव प्लस टू करके दे दोगे मुझे सेवन बोलोगे सी की वैल्यू सेवन है है ना एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या होता है इंट प्रोग्रामर की तरह यूज किया जाता है ठीक है और इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उन्हें आप प्रोग्राम के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हो ठीक है अब क्या है कि जो इम्प्लेसिड कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिक जो होता है कंपाइल करता है ठीक है और ये जो होता है आपका यूजर डिफाइंड होता है यूजर जब आप देगा तभी वो उसको क्या करेगा आपका फंक्शन को रन करेगा इम्प्लेसिड टाइप जो कन्वर्जन होता है वो परफॉर्म करता है विदाउट प्रोग्रामर इसमें प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल मैंने दे दिया है बात खत्म ठीक है अब इसके बाद आपका दोबारा स्ट्रक्चर आ गया भाई क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल पास करवा देगी वो देखा जाए तो ठीक है सेम है डेट

सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा जाए तो बॉडी बना दी और बॉडी बनाने के बाद स्ट्रक्चर डेट बना दिया जो इसने बोला स्ट्रक्चर इस बनाना है डेट नेम से मैंने बना दिया फिर उसके बाद क्या क्या चाहिए हमें तीन चीजें उसने कही है तीन चीजें कौन कौन सी चाहिए डे मंथ और ईयर तो मैंने यहाँ पे इंट कर दिया डे इंट कर दिया मंथ इंट कर दिया ईयर यहाँ पे क्लास बंद अब क्लास क्या बनानी है क्लास उसने कही इंप्लॉय के नेम से बनानी है क्लास मैंने इंप्लॉय बना दी और यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय के तैयार है एम्प्लॉय बनने के बाद इंट किया एम्प्लॉय कोड स्ट्रिंग नेम कर दिया डेट कर दिया डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग पब्लिक के अंदर आए तो पब्लिक के अंदर हमें क्या चाहिए डेटा चाहिए तो सी आउट किया एम्प्लॉय कोड सी इन किया एम्प्लॉय कोड जो भी दूंगा उसको हम इन भी करवाएंगे ये जो अभी पीछे हमने बात की थी सेम वही है सी आउट किया फिर सी इन किया सी आउट किया फिर सी इन किया ये हो गया वॉइड गेट डेटा के अंदर फिर डिस्प्ले करवाना है सो so डेटा या डिस्प्ले डेटा दोनों का मतलब सेम होता है तो इसके अंदर हम सी आउट लेते हैं हमेशा सी आउट तो सी आउट करवा दिया और सी आउट का मतलब यहाँ पे ये यह चीज सभी चीज सी आउट क्लास बंद क्लास बंद होने के बाद मेन लगाओ एम्प्लॉय को नेम दो एम्प्लॉय को वहां पे हमने ई एम पी दिया था ना आप कुछ भी दे सकते हो मैंने यहाँ पे ई वन दिया हुआ है आप ई एम पी की जगह और कुछ भी दे सकते हो तो जो भी दोगे वो लिख के डॉट जो भी आपने ऊपर फंक्शन यूज किया गेट डेटा यूज किया है वो लिख दोगे बंद आउट करवाओगे रिकॉर्ड ठीक है फिर ई एम पी लिखा है लिख कर गिव करना है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट टू डू फॉलोइंग क्रिएट करना है फ्लॉट पॉइंटर एफ पी टी आर का तो पॉइंटर का क्या मतलब होता है बस इसके आगे स्टार लगा दो पॉइंटर बन जाएगा तो फ्लॉट स्टार पॉइंटर बन गया है ना

टेन ट्वेंटी नाइन जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए क्या आ जाता है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन जो है वो आपका डिस्प्ले आपका कोड ही लिखने का है कोड आपका जो है वो आपका डिस्प्ले करवाने का है सर्विसिंग का तो उस सर्विसिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिए हैं आप कोड क्वेश्चन को देखोगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर तो आपको अवॉइड करवाना है डिस्प्ले एक्स वाई जेड कार्स का मतलब कार का जो है वो आपके सर्विस वगैरह सब कुछ उसका डिस्प्ले करवाना है तो मैं आपका इफ स्ट्रीम ले लिया इन सर्विस डेट ले लिया कब सर्विस हुई है बाइनरी फॉर्म में इफ़ इन ले लिया अगर नहीं है तो आपका सर्विस नहीं हुआ है तो एरर फाइंड आउट करवा दो रिटर्न करवा दो सर्विस सेंटर जो है वो ले लिया सर्विस सेंटर में जो भी चीज़ें आपकी हुई है वो सभी डेटा यहाँ पे सो डेटा करवा के क्लोज करवा दिया बात खत्म हो गई ठीक है ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन पेपर देखना एक बार चेक करना जैसे इसके बाद थर्टी लास्ट क्वेश्चन में तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टीपल मतलब क्या होते हैं मैंने क्या कहा मल्टीपल और मल्टी लेवल मतलब ए, ए बी मिल के सी बना रहे तो ये इससे ड्राइव हुए है ना ये कहेंगे कि मैं इससे ड्राइव हुआ लेकिन मल्टीपल इंट इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है ए से ए बी मिल के अगर सी बना रहे हैं तो सी अपना एक खुद का सिस्टम बना लेगा और ये अपने आप किसी को ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा ये डी ई बनाना स्टार्ट कर देगा ठीक है हम दो हमारे दो भैया ये कॉन्सेप्ट काम करना स्टार्ट कर दिया तो मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है ठीक है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है ये इनहेरिटेंस जो होता है वो क्लास को इनहेरिट करता है मोर देन वन बेस क्लास में ठीक है लेकिन ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है वो इनहेरिट करता है डिराइव क्लास को मेकिंग दैट डिराइव क्लास बेस क्लास और अ न्यू क्लास मतलब ए और बी से अगर आपने सी को बना दिया तो जो सी है वो अपने आप में ही एक न्यू बन जाएगा सिस्टम जो अपने आप से एक बेस क्लास कहलाएगा और न्यूली बेस क्लास दूसरे को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा मतलब दूसरे को ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा ठीक है मल्टीपल जो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस वो वाइडली यूज नहीं किया जा सकता लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वाइडली यूज़ किया जाता है ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होते हैं वो टू क्लास लेवल होते हैं मतलब बेस और ड्राइव लेकिन जो मल्टी लेवल होते हैं वो आपका बेस भी होता है इंटरमीडिएट भी होता है डिराइव भी होता है न्यूली भी होता है ये तीन पॉइंट्स आप इसके अंदर चेक कर पाते हो ठीक है ये चीज़ें हो गई और यहाँ पे मैंने दिखा दिया है ए बी से सी बना यहाँ पे ए बी तो बना रहे ग्रैंड फादर फिर फादर फिर चाइल्ड फिर उस चाइल्ड का भी चाइल्ड ऐसे ऐसे चलते जाते हैं है दर पीढ़ी वो पीढ़ी है और ये इसी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब एनी एसेंशियल ऑफ क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग जो होता है आपका एक सिस्टम होता है सिस्टम के थ्रू डेटा स्टोरेज डेटा को बोलो नेटवर्किंग को बोलो सॉफ्टवेयर के बोलो इन सब चीजों को इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है एक जगह से ऑन डिमांड पे या किसी भी चीज पे आप कह सकते हो एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग किया जाता है सर्वर के थ्रू ठीक है उसके कई फीचर्स है एक आपका ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस ठीक है आपका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस हो गया ठीक है रिसोर्स पूलिंग हो गई ये चीज़ें होती है मैंने यहाँ पे एक टेबल मतलब एक चार्ट फॉर्म में भी बनाया है ऑन डिमांड सर्विस मेजर सर्विस क्लाउडिंग का रैपिड आपका इलास्टिसिटी होती है रिसोर्स पूलिंग होती है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है तो इस तरीके से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो तो आपका ये चीज हो जाता है करेक्टर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो किसी तो ये चीज आपका यहीं पे खत्म हो जाता है और ये आपका यहाँ पे सिलेबस का पूरा फिनिश आई अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी तो हो 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 क्लास में दिया होता है बस उसी को लिखना होता है तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सकते हो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो अपना फीड जरूर देना कमेंट के अंदर की वीडियो कैसी लगी लाइक ठोक इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाना मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार मैंने एक पी एफ दी है वो चीज जरूर देख लेना ये लिंक मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है पीडीएफ डाउनलोड करने का वो भी आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है जाके चेकआउट करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ जब तक के लिए बने रहे बिक्की वर्मा के साथ जय हिंद जय जा भारत